गाइस वेलकम बैक टू शेल का किचन। तो गाइस आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हड्डी गुड्डी का सालन। ये देखें, ईद के दिन चल रहे हैं, आपको पता है कि हर घर में ये हड्डियाँ तो वाफर मकदार में मिल जाती हैं। तो ये देखें, ये नली भी है इसमें, और ये देखें तकरीबन इसका वज़न 2.5 से 3 किलो होगा। तो ये मैंने लिया, मैंने सोचा क्यों ना आज आपको पकाना बताएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, पाए से भी ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं। तो आइए आपको बनाना सिखाते हैं। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे, ये सिर्फ 4 चीज़ें डाल दी हैं, ये सिर्फ 2 मोटी इलायची है, ये 4 लौंग है 5, और ये 1 दालचीनी का टुकड़ा है, और ये जैफल है, ये जवेत्री है, जवेत्री का फूल है। बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी, और साथ जाएगा इसमें नमक हमने इसमें डालना है हसबे जैका, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं इसमें 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे पानी हमने इसमें इतना डालना है कि ये सारी भीग जाए, दोबारा पानी डालने की हमें ज़रूरत ना पड़े, इतना पानी डालेंगे। अगर इसमें पानी मैंने डाल दिया है, पानी हमने इतना डालना है कि ये डिप हो जाए, ये देखें ये डिप हो गई है। अब हमने इसे वेट लगानी है, सिर्फ ये 2 चीज़ें इसमें डालेंगे। अगर हम इसको प्रेशर के बगैर विदाउट प्रेशर पकाएं तो ये तकरीबन 4 से 5 घंटे लगेंगे, लेकिन हमें जल्दी है इसलिए हम इसे पकाएंगे, वेट लगाएंगे, प्रेशर में पकाएंगे, और इसमें लगेगा 45 से 50 मिनट। तो अब मैं इसको 45 मिनट वेट लगा के तो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, इसका तकरीबन मैंने 40 मिनट लगाए हैं वेट को, और आप देख रहे होंगे कि गोश्त कितने अच्छे से गल गया, ये देखें खुद ही उतर रहा है, ये देखें। अब हमने अगला स्टेप ये करना है कि इसको पानी को अलहदा कर लेते हैं और ये हड्डियाँ अलहदा कर लेते हैं। गाइस ये रहे मसाले जो अब हमें आगे यूज़ करने हैं, तो आइए चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो ये रही एक कढ़ाई, इसमें हमने 1/2 कप के करीब ऑयल डाला है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। गाइस ये रहा प्याज, ये मैंने मोटा मोटा काटा है। अब हमने इसे लाइट ब्राउन करना है। ले जाओ। तो ये देखे प्याज हमें इतना सा सिर्फ ब्राउन करना है, लाइट सा, इससे ज्यादा नहीं हम करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये 4 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, तकरीबन 5 से 6 होंगी, और ये मैंने अदरक लिया है 2 इंच का टुकड़ा, और ये हरी मिर्च मैंने 4 से 5 ली है। इनको हम इसी तरह डाल देंगे इसमें, और इसको भी फ्राई करेंगे साथ ही, हमें अच्छे से इसे फ्राई करना है। ये हमने फ्राई कर लिया इसको अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ये पानी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे खुशक मसाले। ये हमने हल्दी ली है 1/2 टीस्पून, ये इसमें डाल देंगे। ये काली मिर्च हमने ली है 1/2 टीस्पून, मोटी मोटी कुटी हुई है, ये डाल देंगे इसमें। खुशक धनिया इसमें बहुत ज़्यादा जाएगा, इसलिए ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून, मोटा मोटा कुटा हुआ है, ये भी इसमें चला जाएगा। सुरख मिर्च हमने ली है 1 टेबल स्पून, ये भी इसमें जाएगी। अब हमने ये सारे मसाले की अच्छे से बुनाई करनी है, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो गाइस ये देखें बुनाई बहुत अच्छे से हो गई है हर चीज की। अब हम इसे नीचे उतारते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होता है तो हम इसको मिक्सर के जग में डाल के अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेते हैं, और ब्लेंड करके मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखें, ये सारा मैंने शोरबे से अलहदा कर लिया, जो यखनी निकाली थी उससे अलहदा कर लिया। अब ये जो मसाला मैंने पीसा है ये सारा इसमें डाल देते हैं, ये जो ब्लेंड किया है। मैंने इसमें डाला है 2 टेबलस्पून देसी घी, ये देखें। अब हमने इसकी बुनाई करनी है, ये जो सारी हड्डियाँ हैं
इसकी बुनाई करते हैं अच्छे से और आपको दिखाते हैं साथ साथ। देखते हैं ये गोश्त बहुत ज़्यादा गल गया हुआ है और हमने इसको बहुत आराम आराम से इसकी बुनाई करनी है। मसाला तो बुनाई हुई है मसाले की और इसकी सिर्फ 5 मिनट बुनाई करनी है, ज़्यादा देर नहीं करनी। आराम से इसकी बुनाई करते हैं 5 से 10 मिनट और इस तरह मैं करके फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। तो गाइस बुनाई हो गई है बहुत अच्छे से, ये हड्डी और नली की बहुत अच्छे से बुनाई हो गई है। तो अब हम ये जो इसकी यखनी है वो इसमें डाल देंगे, सारी इसमें डाल देंगे। बस ये हमने डाल ली है। अब हमने इसको बॉयल आने देना है और इसमें जो गरम मसाले थे वो सारे मैंने निकाल लिए हैं, जो मैंने 2-3 गरम मसाले इसमें डाले थे वो मैंने इसमें से निकाल लिए हैं। अब हम इसको पकने देते हैं। इस बॉयल इसमें आना शुरू हो गया है, अब हमने इसको सिर्फ 5 मिनट पकने देना है। इसको मैं कवर कर देती हूँ और 5 मिनट पकता है तो फिर हम अगला काम बताते हैं। बहुत ही मज़ेदार बना है, इसमें आपने ना दही डालना है और ना टमाटर डालने हैं, ये इसका अपना ही टेस्ट बहुत प्यारा होगा। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और चेक करिएगा। तो आइए ये हमारा बनके तैयार हो गया है, तो अब मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने इसको डिश आउट करना है। ये देखें ऑयल कितना प्यारा है, डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, इसकी खूबसूरती देखें और इसका टेस्ट देखें। और ये हरी मिर्च डालेंगे और साथ ही हम डाल देंगे कटी हुई अदरक थोड़ी सी खूबसूरती के लिए। और ये हमारा हड्डी गुड्डी का सालन तैयार है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल है और ये बहुत ही खूबसूरत बना है और बहुत ही मज़े का बना, टेस्टफुल है। आप याद करेंगे कि कोई चीज़ बनी है। गाइस आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है। और आखिर में इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चले गाइस फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।